साइबर क्लीन अभियान के तहत सरगुजा जिले में साइबर ठगी के दो अलग अलग मामलों में गांधीनगर पुलिस ने झारखंड के देवघर से तीन अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला ने बताया कि उदयपुर के ग्राम रिखी निवासी उमाकांत सिंह ने फोन नंबर पर कैशबैक का लालच देकर 1,54,000 की ठगी की। साथ ही अंबिकापुर शहर के मानिक प्रकाशपुर निवासी मंगलू कुचूरू से बैंक में जमा रकम की जानकारी लेकर 1,80,000 की फिक्स डिपॉजिट का राशि आहरण कर लिया गया। इन दोनों मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पूरे मामले को लेकर साइबर सेल की मदद से पुलिस ने आरोपियों की पड़ताल की और झारखंड के देवघर से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर में प्रार्थी के द्वारा आकर शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसके आधार पर उसमें मामले में आईपीसी की धारा 420/66C/66D के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर मामले में तफ्तीश की जा रही थी, जिसमें कि उसे फोन पे पर कैश रिसीव करने के नाम पर उससे ठगी हुई है, जो लगभग 1,54,000 रुपये की राशि का उसके साथ धोखाधड़ी की गई थी। इस आधार पर जो है साइबर सेल प्रभारी जो हैं और SDOP अखिलेश कौशिक के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित करके उक्त आरोपी की पता तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में इनकी जो लोकेशन है झारखंड राज्य में स्थापित हुआ, जिसमें एक विशेष टीम बनाकर वहां भेजा गया और उनको घेराबंदी कर पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई है, जिन्हें गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।